नंदिनी जी मौजूद है। नंदिनी जी, आप कितना खुश हैं? आप सिविल सर्विस में टॉप किए हैं, आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है, एक पल मेरे लिए बहुत ही खुश है। और कितने सालों से आपकी तैयारी करती थी? दिस इज माई फोर्थ अटेम्प्ट, तो 4 साल हो चुका है। और अब आप क्या कर रही है, मतलब आप किस पोस्ट में हैं आप? अभी मैं IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर इधर हूँ, फरीदाबाद में। क्या आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर हुआ करती थी कि प्रेशर हुआ करता था कि नहीं ज्यादा पढ़ाई करना है, ये तो एग्जाम से पहले ऐसा कभी हुआ है? एक्चुअली प्रेशर तो कभी भी फैमिली की तरफ से तो नहीं थी, मतलब ये बनना है वो बनना है नहीं, उसने मुझे पूरा फ्रीडम दिया कि आपको क्या चाहिए वो चूज कीजिए, तो इसलिए मुझे थोड़ा फ्री एनवायरमेंट मिला था। और कभी स्ट्रगल करना पड़ा आपको तैयारी के दौरान, चाहे फाइनेंशियली हो ये सब चीज को लेकर? एक्चुअली माई पेरेंट्स वर वेरी हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड, मतलब जो भी कठिनाई आई वो मेरे साथ थे हमेशा, तो आई कुड ओवरकम ऑल दिस। और आप कहीं से कोचिंग भी लेती थी? हाँ, थोड़ा किया मैंने, मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग इन दिल्ली फॉर सम टाइम आई टुक कोचिंग सम टाइम इन दिल्ली, एंड आफ्टर दैट आई डिड दिस अटेम्प्ट एंटायरली आई डिड इन इनसाइट्स इन बैंगलोर। तो कई लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आपकी सब्जेक्ट जो है क्या था? मेरा ऑप्शनल लिटरेचर था, कन्नड़ा लिटरेचर। अच्छा, हाँ। लिटरेचर बहुत लोग कहते हैं कि बहुत टॉप होता है, वहाँ पे मार्किंग ज़्यादा मार्क नहीं मिलता है आप, मतलब क्या? सभी सब्जेक्ट में आप अगर आप अपने बेस्ट दे रहे हो तो सभी सब्जेक्ट में यू कैन स्कोर गुड। नंदिनी जी मौजूद है। नंदिनी जी, आप कितना खुश हैं? आप सिविल सर्विस में टॉप किए हैं, आप कितना खुश हैं? बहुत खुश है, एक पल मेरे लिए बहुत ही खुश है। और कितने सालों से आपकी तैयारी करती थी? दिस इज माई फोर्थ अटेम्प्ट, तो 4 साल हो चुका है। और अब आप क्या कर रही है, मतलब आप किस पोस्ट में हैं आप? अभी मैं IRS कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज में एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर इधर हूँ, फरीदाबाद में। क्या आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर हुआ करती थी कि प्रेशर हुआ करता था कि नहीं ज्यादा पढ़ाई करना है, ये तो एग्जाम से पहले ऐसा कभी हुआ है? एक्चुअली प्रेशर तो कभी भी फैमिली की तरफ से तो नहीं थी, मतलब ये बनना है वो बनना है नहीं, उसने मुझे पूरा फ्रीडम दिया कि आपको क्या चाहिए वो चूज कीजिए, तो इसलिए मुझे थोड़ा फ्री एनवायरमेंट मिला था। और कभी स्ट्रगल करना पड़ा आपको तैयारी के दौरान, चाहे फाइनेंशियली हो ये सब चीज को लेकर? एक्चुअली माई पेरेंट्स वर वेरी हेल्पफुल इन दैट रिगार्ड, मतलब जो भी कठिनाई आई वो मेरे साथ थे हमेशा, तो
आई कुड ओवरकम ऑल दोस। और आप कहीं से कोचिंग भी लेती थी? हाँ थोड़ा किया मैंने, मतलब व्हेन आई वाज वर्किंग इन दिल्ली फॉर सम टाइम आई टुक कोचिंग सम टाइम इन दिल्ली एंड आफ्टर दैट आई डिड दिस अटेम्प्ट एंटायरली आई डिड इन इनसाइट्स इन बैंगलोर। तो कई लोग जानना चाह रहे होंगे कि आपकी सब्जेक्ट जो है क्या था? मेरा ऑप्शनल लिटरेचर था, कन्नड़ा लिटरेचर। अच्छा हाँ। लिटरेचर बहुत लोग कहते हैं कि बहुत टॉप होता है, वहाँ पे मार्किंग ज़्यादा मार्क नहीं मिलता है आप, मतलब क्या? सभी सब्जेक्ट में आप अगर आप अपने बेस्ट दे रहे हो तो सभी सब्जेक्ट में यू कैन स्कोर गुड।